हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम गले का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। अगर अपने पास इस प्रकार की कोई कुर्ती है तो उसका नेक डिज़ाइन कैसे बनाएंगे ये देखते हैं हम दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमने ये फोल्ड करके आगे और पीछे वाली साइड रख ली है यूँ। अब निशान लगाएंगे पौने तीन इंच पे निशान लगाया। उसके बाद 4.5 इंच यहाँ पर लिया। अब इसको गुलाई देंगे, कट करेंगे। और पीछे वाली साइड भी थोड़े से यूं गुलाई दे देंगे। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अगर बैन नेक बनाते हैं तो तीरा थोड़ा सा 1 इंच ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि फिर खींचते नहीं है मुंडे। और फ्रेंड इसको यूं काट देंगे। यहाँ तक काट लिया। अब हम इनको स्टिच कर लेंगे। चलो फ्रेंड्स, अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये देखो हमने स्टिच कर लिया इस प्रकार। अब हम इसका ये नाप ले लेंगे, बैंड कितने इंच की लगानी है। इस प्रकार अपने धीरे धीरे बिना खींचे कितनी होगी, 18.5 इंच की अपने को बैंड लगानी है। अब हम 1.5 इंच चौड़ाई में और 18.5 था अपना, तो 1.25 रख लेते हैं। इस प्रकार इसको 1.25 इंच का निशान लगा के और इसको काट लेंगे। ये देखो दोस्तों, हमने काट लिया इसको। अब इस पर चिपका देंगे। देखो फ्रेंड्स, ये हमने इसके साथ चिपका लिया। अब एक और पट्टी लेके, ये इसका सीधा हिस्सा है, इसका भी ये सीधा हिस्सा है, उसको यूँ लेके और थोड़ी थोड़ी गुलाई देते हुए हमने इस पर यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार अपने गुलाई देते हुए, ये देखो फ्रेंड्स, ये हमने स्टिचिंग लगा लिया पूरी। अब इसको यूँ सीधा करेंगे। ये देखो, अब हम इसको यूँ इसको पूरा ये गुलाई निकाल लेंगे। इधर से भी सुई की मदद से पूरी शेप निकाल लेंगे। अभी हमारी बैन लगाने के लिए पट्टी हो गई है रेडी, तो अभी इसे हम लगाते हैं। तो बैन लगाने से पहले हम यहाँ फोल्ड करने के लिए पट्टी बनाएंगे। कितने इंच की? ये हमारा 6 इंच है, तो हम 6.5 इंच की एक पट्टी तैयार करेंगे। तो ये हमने एक सीधा कपड़ा लिया थोड़ा सा, तो लेफ्ट साइड पहले इसको सीधे को ऐसे रख के स्टिच करेंगे। ये पिंक यहाँ तक करेंगे, अपनी ब्राउन लाइन तक। यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार अपनों ने ये लगा ली पट्टी। उसके बाद इसको इस प्रकार फोल्ड करके अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। देखो फ्रेंड्स, ये लेफ्ट साइड हमारी ये पट्टी लग चुकी है। अब राइट साइड पट्टी लगाने के लिए हमने ये पट्टी तैयार कर ली है। ये हमारी उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है, तो उल्टी साइड पट्टी को यूँ रखेंगे, यूँ लगाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जिस साइड के साथ पेस्टिंग अपनों ने अटैच की थी उसको यूँ रख लेंगे, और जो बिना पेस्टिंग वाली साइड है उसको उल्टा करके कुर्ता यूँ लगाएंगे। इस प्रकार यहाँ से यूँ करके यहाँ तक लगा देंगे। ये देखो, उल्टी साइड लगा ली पट्टी। अब इसको यूँ सीधी करेंगे, यूँ सीधी करके अब यहाँ से फोल्ड करके ऐसे एक सिलाई लगाएंगे।
ऐसे धीरे धीरे। यूं इस प्रकार से इसको यहाँ पे इस प्रकार अपने यहाँ पे इसको ये देखो कितनी अच्छी तरह से हमारी ये पट्टी लग चुकी है। अब एक्स्ट्रा पट्टी को हमें काटेंगे। अब हम इस पर बैल लगाएंगे। ये देखो फ्रेंड्स, हमने पट्टी लगा के तैयार कर लिया था। अब इसको उल्टा लेंगे और ये बैल नेक जिस साइड ये लगाई हुई है पेस्टिंग उसे इस साइड रखेंगे, जिस साइड नहीं लगाई हुई उसे उल्टी साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार अपने धीरे धीरे बिना खींचे लगाते जाएंगे। इस प्रकार ये हमने लगा लिया। अब ये सीधी साइड है, इसको यूं फोल्ड करके लगाना स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा इतने इतने फोल्ड करना है और यूँ ये सिलाई भी दिखनी नहीं चाहिए। इसके ऊपर रखते हुए लगाएंगे। ये देखो इस प्रकार धीरे धीरे ये पूरी लगा ली है सिलाई। अब अपने एक सिलाई इसके साथ साथ लगा देंगे। इस प्रकार उन्होंने सिलाई लगा ली। तो चलो फ्रेंड्स, देखो ये हमारी पट्टी के साथ कितना सुंदर डिज़ाइन बन गया है गले का। तो अब अपने यहाँ पे बटन लगाने, बटन नहीं तो हुक, स्टिच बटन कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे तीन एक बटन हुक्स लगा देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपके लिए हम और नया नया कुछ लेके आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।